जय हिंद दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल मनीष टेल की रिक्रूटमेंट 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 875 पदों पर आपकी नई वैकेंसी आने वाली है। इसके कंप्लीट जानकारी से बात करेंगे, जैसे कि इसके कब से ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, कब लास्ट डेट रखी गई है, क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई, एज क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है, PT PMT होने वाला है जो आपका, उसमें क्या प्रोसेस रखा गया है, कंप्लीट जानकारी से बात करेंगे और लास्ट ईयर इसकी क्या कट ऑफ रही थी उसके बारे में ही बात करेंगे। सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें, वीडियो को स्किप मत करें बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट दिए गए जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पर नए हो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मैं आपके लिए ऐसे ही हर गवर्नमेंट जॉब की जानकारी के अपडेट लेकर आता रहता हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। देखिए, CRPF में हेड कांस्टेबल मनीष टेल की वैकेंसी 875 वैकेंसी दी गई। आगे बात करेंगे कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी दी गई, ऑनलाइन तरीके से आपने इसके लिए अप्लाई करना है। उसके बाद वैकेंसी की बात करें तो इसमें जो टोटल वैकेंसी है 875 वैकेंसी दी गई हेड कांस्टेबल मनीष टेल की वैकेंसी है। उसके बाद कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो टोटल वैकेंसी 400 वैकेंसी दी गई जनरल कैटेगरी की, OBC कैटेगरी की 190 वैकेंसी दी गई, UR कैटेगरी की जो वैकेंसी है 400 वैकेंसी और OBC की 190 वैकेंसी दी गई हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं SC कैटेगरी की बात करें तो टोटल 100 वैकेंसी दी गई SC कैटेगरी की, ST कैटेगरी की 50 वैकेंसी दी गई हैं। उसके बाद ST ब्लैक क्लॉक की जो वैकेंसी है 65 वैकेंसी दी गई, EWS कैटेगरी की बात करें तो 70 वैकेंसी EWS कैटेगरी की, SC की 100 वैकेंसी, ST की 50 वैकेंसी और EWS कैटेगरी की 70 वैकेंसी है। टोटल आपकी 875 वैकेंसियाँ दी गई हैं। इसके लिए जो मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे बात करते हैं इसमें एज की बात करें, इसमें जो आपकी एज है UR कैटेगरी की जनरल कैटेगरी की 18 से 25 साल इसमें आपकी एज है, SC ST को 5 साल का और OBC को 3 साल का प्रॉपर एज लैक्स इसमें आपको दिया जाएगा। उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात करें जो इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपने +2 पास कर रखी हो, अगर आपने सिंपल +2 पास कर रखी है किसी भी बोर्ड से तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका टाइपिंग टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश की जो टाइपिंग स्पीड है वो आपकी 35 पर वर्ड मिनट रखी गई है और हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपकी 30 पर वर्ड मिनट रखी गई है। सिंपल आपने +2 पास कर रखी है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको टाइपिंग और सीखनी पड़ेगी इसके लिए। उसके बाद सैलरी की बात करें तो इसमें आपका ग्रेड पे 2400 इसमें आपका ग्रेड पे रहेगा, 25,500 से 81,100 तक आपको इसमें सैलरी मिलेगी प्लस अलाउंस के साथ इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, PT PST होगा, स्किल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा इसमें। उसके बाद PAT की बात करें, अगर आप ऑल कैंडिडेट हैं जैसे कि जर्नल OBC SC कैंडिडेट हैं तो आपकी 165 सेंटीमीटर हाइट रखेगी मेल कैंडिडेट की, फीमेल कैंडिडेट की 155 सेंटीमीटर हाइट रखी गई। अगर आप SC ST हैं, ST कैटेगरी से हैं और इस रीजन से आप बिलोंग करते हैं तो इसमें आपसे 162.5 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई, फीमेल को 150 सेंटीमीटर इसमें यहाँ पर हाइट मांगी गई है। उसके बाद चेस्ट की बात करें, इसमें जो चेस्ट रखी गई जनरल OBC SC के लिए 77 सेंटीमीटर से 82 सेंटीमीटर इसमें आपकी चेस्ट रखी गई, 5 सेंटीमीटर का आपका फैलाव इसमें मांगा गया है। ST कैटेगरी की बात करें तो 76 से 81 सेंटीमीटर ST कैटेगरी की इसमें चेस्ट और रखी गई है। उसके बाद अप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, जनरल OBC और EWS कैटेगरी के लिए इसमें 100 रुपये फ़ीस है, SC ST और वुमेन एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें कोई फ़ीस नहीं है आपकी, ऑल कैटेगरी की इसमें कोई फ़ीस नहीं है, जनरल OBC EWS के लिए इसमें 100 रुपये फ़ीस आपकी रखी गई है, फीस आपको ऑनलाइन ही पे करनी इसके लिए। उसके बाद अब बात करते हैं, देखिए जो आपके ऑनलाइन फॉर्म हैं ये आपके अक्टूबर में अगले मंथ से या तो अक्टूबर में स्टार्ट होंगे या नवंबर में आपके फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं, अक्टूबर नवंबर में आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा। अब इसके बारे में लास्ट ईयर की जो आपके क्या कट ऑफ रही इसके बारे में बात करते हैं। देखिए पहले इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, जैसे कि जो आपका सिलेबस रहेगा Part 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें आप हिंदी इंग्लिश में से एक लैंग्वेज में आप क्वेश्चन करेंगे, टोटल 50 नंबर की होगी। उसके बाद रीजनिंग से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से 50 क्वेश्चन होंगे और उसके बाद एप्टीट्यूड मैथ से आपसे क्रमिकल मैटीट्यूड एप्टीट्यूड है जो
उससे आपसे 50 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद टायर टू होगा जो आपका पार्ट टू होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा, ये 25 नंबर का होगा। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए जो आपकी कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 142 से 146 के बीच में कैंडिडेट का जो इसमें शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। टोटल लास्ट ईयर आपकी 38 वैकेंसी दी गई थी हेड कॉन्स्टेबल मिनिस्ट्री की 2016 में आपकी वैकेंसी आई थी। उसके बाद अभी अब आपकी वैकेंसी आ रही है। उसके बाद ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 138 से 144 के बीच में कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था। एससी कैटेगरी की बात करें तो 135 से 140 के बीच में एससी कैटेगरी, और एसटी कैटेगरी की बात करें तो 128 से 133 के बीच में एसटी कैटेगरी कैंडिडेट का वो सिलेक्शन हुआ था। यह आपकी लास्ट ईयर कट ऑफ थी।